आज हम लेकर आ चुके हैं एक विजन का आईपी वीडियो इंटरकॉम किट। आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे ये यूज़ कैसे होता है और आप इसको अपने फ़ोन पे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये इसका डब्बा है, ये देख लीजिए। इसमें 2 MP कैमरा तक आप ऐड कर सकते हैं, जो कि 16 कैमरा ऐड कर सकते हैं अलग से। ये देखिए इसका मॉडल नंबर है तो हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देख लीजिए, जैसे देख सकते हैं आप, ये हमारे पास 7 इंच की स्क्रीन दी हुई है। और ये देख लीजिए, ये सारे इसके पोर्ट दिए हुए हैं और ये है हमारा SD स्लॉट, जो कि इसमें हम SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। और ये देखिए, ये आ गया हमारा आउटडोर यूनिट, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। ये इसका मॉडल नंबर है। ये कुछ इस प्रकार दिखता है, जैसे देख सकते हैं आप। ये इसके अंदर में देखा लाइन पोर्ट और कनेक्शन के सारे यहाँ पे कनेक्ट दे रखे हैं। देखिए ये रहा आपका कैमरा, ये रहा आपका स्पीकर और ये बटन है प्रेस करने के लिए। ठीक है, इसको हम रखते हैं साइड में और देखते इसमें क्या क्या है। ये आ गया इसका स्टैंड, जो कि आउटडोर यूनिट को फिक्स करने काम आता है। साइड में ये दूसरा स्टैंड है हमारा, जो कि डिस्प्ले का है। देख देख, इसको रखते हैं साइड में। अब देखते हैं और क्या है इसमें। ये कुछ इसकी एक्सेसरीज आएगी, जो कनेक्टर्स, सारे कनेक्टर्स और मैनुअल गाइड्स हैं, इसको हमारे काम में साइड रखते हैं। ये है इसमें इसका अडैप्टर, जो कि देख सकते हैं अडैप्टर 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का। और क्या क्या है इसमें, देर से टोटल 2 अडैप्टर जो कि सेम वैल्यू के हैं। और कुछ नहीं इसमें, देख सकते हैं हम ये लेकर ले आए जो है। ये हमारा आउटडोर यूनिट है, जो कि देख लीजिए हमने लाइन केबल लगा दिया है। अब हम इसको POE के थ्रू चला कर दिखाएंगे आपको कैसे चलता है। जैसे आउटडोर यूनिट को हमने पहले POE में पावर दे रखी है और ये हमने अटैच कर दिया। और ये जो हमारा इंडोर यूनिट है, अब हम इसको भी लाइन के थ्रू ही अटैच करेंगे POE को। इसको हमने अटैच कर दिया। अब देख लीजिए जैसे कि इसमें लाइट आ गई दोनों में। और साथ ही हम जो हमारा ये राउटर से आ रही है वायर, हम इसको हम अप लिंक में देंगे। ये हमारा आउटडोर यूनिट ऑन हो गया। ये देख लीजिए, जैसे हमारा इंडोर यूनिट ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि आउटडोर यूनिट को हम ऐड कैसे करें। सेटिंग्स में गए, कॉन्फ़िगरेशन में आए, यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड रखा वो पासवर्ड डालेंगे। देख सकते हैं सही हो गया हमारा। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे देख सकते हैं आपने मेन स्टेशन डोर लिखा, सिर्फ मेन डोर स्टेशन लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे, जब देख सकते हैं आप हमारे पास ये डिवाइस आ गया है। इसको हम क्लिक करेंगे और फिर कर देंगे मोर देन बैक, बैक हो गया। तो यहाँ पे नीचे देखिए इसी में ही लिखा हुआ है मेन डोर फोन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारे एक्टिव स्टेटस आना चाहिए, अगर एक्टिव आ गया तो मतलब ये आपका ऐड हो गया डिवाइस। इसको करेंगे बैक, फिर मॉडल करेंगे बैक। ये हमारा होम स्क्रीन आ गया। अब हम आपको आउटडोर यूनिट के पास चलते हैं, उसको प्रेस करेंगे, फिर स्क्रीन दिखाएंगे क्या इंडिकेशन आती है। जैसे देख सकते हैं हमारा ये आउटडोर यूनिट,
इसको हम किया हमने प्रेस, और देख ली स्क्रीन पे आ गई हमारी। हम यहाँ से उठाते हैं कॉल। और ये हमने कर दिया कॉल कट। ये देख लीजिए, हम इसको लाइव व्यू करके दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए लाइव व्यू। ये रहा हमारा आउट ऑफ यूनिट। दूसरे स्क्रीन ऐड कैसे करें? कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे जो हमने पासवर्ड रखा होगा, आप लोग जो भी पासवर्ड रखा होगा। देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ गए। इंडोर स्टेशन में गए, देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी आएगा इंडोर में जो भी। ओके करेंगे वहाँ पर दूसरे स्क्रीन पे चलेंगे। ये देख लीजिए ये हमारी दूसरी स्क्रीन है। सेम प्रोसेस रहेगा, पासवर्ड डालेंगे। ओके कर देंगे। ये देख लीजिए विंडो स्टेशन टाइप में गए, और ये देख लीजिए पहली डिवाइस में सेकंड। ये हमारा फर्स्ट डिवाइस था, सेकंड, और ये हमारा सेकंड डिवाइस है। तो अब हम आपको दिखाएंगे करके कॉल बैक करेंगे इसको दोनों स्क्रीन को। और हम अपने आउटडोर से हम कॉल करेंगे। देख सकते हैं हमारे पास आउटडोर है, हमने किया प्रेस। ये देख लीजिए और दोनों स्क्रीन पे आ गई कॉल। हम करेंगे कट।